सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने लोगों की समस्या यहां पर सुनी है, जनता दर्शन में लोगों की समस्या को सुना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्या दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है और इस दौरान जनता दरबार लगाया गया, लोगों की फरियादें यहाँ पर सुनी है। तस्वीरें आपके सामने है सीएम योगी आदित्यनाथ की, जब लोगों की फरियादें सुनी जा रही है, लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात की है और जनता दर्शन में लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी और समस्याओं को सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण किया जाए, इन समस्याओं को दूर किया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि अक्सर इनकी तरफ से जनता दरबार लगाया जाता है जहां पर आम लोग पहुंचते हैं, अपनी फरियाद सीएम के सामने रखते हैं, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को रखते हैं, उन्हें कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या अगर उन्हें है तो वो सामने रखा जाता है और उसका जल्द निवारण भी होगा, इस बात का आश्वासन मुख्यमंत्री देते हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। की तस्वीर आपके सामने, एक एक व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, उनसे बातचीत की जाती है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनता दरबार में और उनकी फरियादों को सुनते हैं। आगे रुक करते हैं और बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा नेता आजम के बेटी अब्दुल्ला की विधायक की जाने के बाद रामपुर की सुवार सीट पर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच नवाब घराने से अपना दल एस के नेता नवाब हैदर अली खान उर्फ हजमा मियाँ ने सुवाल टांडा सीट से ताल ठोकने की बात कह दी है और पार्टी से टिकट मिलने पर बड़ी जीत का दावा कर डाला। हालांकि अब्दुल्ला की विधायक की जाने के बाद सपा खेमे में खामोशी नजर आ रही है और अब इस सीट को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ रामपुर से उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं। उबैदुर रहमान, अब स्वार सीट को लेकर के अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई है उसके बाद से जो उनका विरोधी खेमा है, चाहे रामपुर का नवाब परिवार हो या भाजपा विधायक आकाश सक्सेना, दोनों ही गुटों ने ये खुशी जाहिर की है और अगर उपचुनाव होते हैं स्वार विधानसभा सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी का भी ये कहना है कि यहाँ पर कमल खिलेगा और जो रामपुर का नवाब घराना है उसके जो हमजा मियाँ हैं जो पिछली बार अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़े थे इस सीट से, उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद उन्हें मिल जाता है और भाजपा उन्हें प्रत्याशी बना देती है तो वो बड़ी जीत हासिल करेंगे इस सीट पर। वहीं जो आकाश सक्सेना है भारतीय जनता पार्टी के रामपुर शहर सीट से विधायक हैं जिन्होंने आजम खान की सीट पर कब्जा किया है, उनका कहना है कि एक बार फिर जो है भाजपा का कमल रामपुर उपचुनाव में खिलेगा। तो ये जो समाजवादी का खेमा है उसमें के अंदर मायूसी है क्योंकि जो दो पिछले उपचुनाव हुए हैं लोकसभा का उपचुनाव हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।